क्या आपको मालूम है स्ट्राइव टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए स्ट्राइव टू? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। स्ट्राइव टू का मतलब होता है किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना, यानी मेक ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग। किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो बहुत सारी लड़कियां चमकती दमकती चेहरा पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करती हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मेनी गर्ल्स स्ट्राइव टू अटेंड लाइटर एंड ब्राइटर लुकिंग स्किन। तो यहाँ मैंने अपने सेंटेंस से बोला स्ट्राइव टू, जिसका मतलब होता है कि बहुत कोशिश करती हैं। अगर आपको कहना हो वह इंग्लिश सीखने की बहुत कोशिश करता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही स्ट्राइव्स टू लर्न इंग्लिश, यानी वह इंग्लिश सीखने की बहुत कोशिश करता है। मैं रोजी रोटी कमाने की बहुत कोशिश करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई स्ट्राइव टू अर्न लिवलीहुड, यानी मैं रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, यानी सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप बोलेंगे स्ट्राइव टू, फिर आप बोलेंगे कोई वर्ब जो होगा फर्स्ट फॉर्म में, यानी इस टॉपिक का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। आपका सेंटेंस जिस टेंस में हो उस टेंस के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि स्ट्राइव टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोशिश करना, यानी मेक ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।